सीजन आई गए बा कटहरी के, तो आज हम सब बनाई कटहरी की सब्जी, मतलब कटहल की सब्जी। तो आज इसके लिए आपको लेना है आधा किलो कटहल। इसको आपको गुनगुने पानी से धो लेना है 2 से 3 बार, ताकि जो इसका चिपचिपापन है, एक थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन होता है ना, उसको धो लेना है ताकि उसका टेस्ट खाने में ना आए। अभी इसको कुकर में लेंगे। कुकर में लेने के बाद आपको लेना है 1 ग्लास पानी, और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर और नमक, और इसके बाद इसे हमें पका लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़े खड़े मसाले डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आगे डालेंगे। तो इसे 3 से 4 सीटी देके अच्छे से पका लेना है। पकाने से होगा ये, अच्छा मेरा गला थोड़ा फंस रहा है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये मैं इसको 7वीं 8वीं बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब मैं जैसा भी होगा मैं इसे अब आप बता दूंगी। 5 से 6 प्याज को आपको रफली चॉप कर लेना है। यहाँ कुकर में आ गई है सीटी। अभी यहाँ पे थोड़े मसाले लेंगे। मसाले में लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पत्ता। इसको आपको थोड़ा सा भून लेना है और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। अच्छा, जो पुराने ज़माने में पहले हमारे यहाँ बनता था, आपको याद होगा कि पहले लोग बट्टे सील पे पीसते थे, तो वो ऐसे ही मसाले पीसते थे, पहले रेडीमेड मसाला नहीं आता था। मैंने दोनों चीज़ को मिक्सअप किया है। अगर आपके पास ऐसी सुविधा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप, मैं आगे बताती हूँ, वैसे भी कर लें। कुकर की सीटी ठंडी हो गई है, देखिए कटहल का कलर बदल गया है, थोड़ा टेस्ट भी बदल गया होगा, और ये 70-80% कुक हो गया है। पानी जो स्ट्रेन हुआ है उसको बचा के रखिएगा, ग्रेवी आगे उसी की ऐड करेंगे। आधा कप तेल में कटहल को अच्छा फ्राई कर लिया है, इसी तेल को हम ग्रेवी तक भी यूज़ करेंगे। ये देखिए अभी अच्छा फ्राई हो गया है, आप देखेंगे इसके ऊपर एक पतली सी परत थोड़े गोल्डन कलर की होगी, तो मतलब कि कटहल आपका फ्राई हो चुका है। इसको ज़्यादा ड्राई मत करिएगा, फ्राई करने से होता क्या है कि कटहल का पानी थोड़ा सूखने लगता है, तो इसलिए बस हल्का सा पिंक करें। अभी बचे तेल में डाल दें तेज़पत्ता और जो कटी हुई प्याज है उसको, प्याज को आपको ज़्यादा रफली ही चॉप करना है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अभी यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दी है, आप चाहें तो खड़ी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दें, लेकिन मसाला इनफ है तो ज़्यादा लाल मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे थोड़ा भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो भी हट जाए। प्याज के साथ ही साथ पक रहा है, तो प्याज के मॉइस्चर से ही बहुत ही अच्छा डिलीशियस टेस्ट लगता है। इस समय तक आपका घर सुगंध से भर जाएगा कटहल के मसाले के। अभी यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर डालने से होता क्या है ना, जो आपकी ग्रेवी होती है थोड़ी गाढ़ी होती है, थोड़ी थिक होती है। अभी यहाँ पे डाल दिया है जो पीसे हुए सूखे मसाले थे, वो थोड़े मसाले मैंने बचा के रखे हैं ताकि मैं लास्ट में डालूं। अभी यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है चिकन या मटन मसाला। डोंट वरी, मसाले में चिकन या मटन नहीं होता, बस मसाले का नाम होता है। तो अगर आपके पास पीसने की सुविधा नहीं है तो आप इस मसाले से बनाएं, पीसने की सुविधा है तो पीस के और फिर यहाँ पे डालें। थोड़ा पानी डाला है ताकि मसाले है ना अच्छे से भुन जाएं। इसे तब तक के भुनना है जब तक कि ऊपर तेल थोड़ा सा दिखने ना लगे, आपको आगे बताती हूँ। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा तेल दिखना शुरू हो गया है और ये थोड़ा चिपकने भी लगा है। तो अभी यहाँ पे डाल दिया है 4 छोटे टमाटर का पेस्ट, थोड़ा चटपटा। बहुत लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन ट्रस्ट में ऐसे बनाइएगा, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। बेसिकली टमाटर जो है ना वो मसालों को बैलेंस करता है। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, नमक आगे भी डाला है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालें, क्योंकि जब हम पका रहे थे ना कुकर में तो भी वहाँ पे मैंने ऐड किया था। अब इसे ढक के पकाना है ताकि ये दिखे, जो तेल है ना वो थोड़ा दिखने लगे। फ्लेम मीडियम रहेगा, बीच बीच में चलाते रहें। फ्राई कटहल को भी डाल देंगे, कटहल पहले से हमारे 70-80% कुक हैं, साथ ही साथ भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक चले जाएं। अभी यहाँ देखिए अच्छा हो गया है कटहल, ऑयल दिखना शुरू हो गया है किनारे किनारे। बस अब वो जो हल्दी वाला पानी बचा के रखा था ना, उसको उसकी यहाँ पे एंट्री करा दीजिए, अच्छा मिक्स कर दीजिए। अभी आप कटहल का कलर देख रहे हैं, जैसे जैसे ये बॉयल आएगा ना, ये बिल्कुल अच्छा इसमें मिल जाएगा। अब बचे हुए जो मसाले थे जो हमने पीसे थे वो भी यहाँ पे मिला दें, और थोड़ी सी हरी धनिया का स्टीम, अगर है, अगर डंडिया है हरी धनिया की वो डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास थोड़ी हरी धनिया थी तो उसको भी ऐड कर दिया। अब हम इसको देंगे बॉयल, तब तक के बॉयल देंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। कच्चे प्याज रहेंगे तो वो दिखेंगे, इसीलिए प्याज को पूरा ट्रांसपेरेंट करने तक पकाना है। अच्छा, ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा तो उसका भी टेस्ट नहीं आएगा। प्याज और कटहल एक साथ पकेगा तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। कटहल भी परफेक्ट हो गया है,
बस अब हमें तब तक का वेट करना है जब तक जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाएंगे तभी तो ज़बरदस्त लगेगा ना चावल के साथ। तो बस अब ये देखिए, अब आप कटहल का कलर देखिए, कटहल का कलर डार्क हो गया है। अच्छा, इसका मैजिक क्या है? इसका मैजिक मैं आपको आगे बताती हूँ कि कटहल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसका कलर थोड़ी हरी धनिया के साथ गार्निश कर दिया है। अब इसे ढक के इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, इतनी मेहनत जो किया है इसने। अब अच्छा, अब देखिए मैं बताती हूँ, कटहल का कलर इसलिए ब्लैक हुआ क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बना है। अगर आप बनाएं और कटहल का कलर चेंज ना हो तो परेशान ना हो, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे गर्मा गर्म चावल और बेसिक बस प्याज या कुछ सलाद के साथ सर्व करिए, ट्रस्ट मी लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे और पहचान नहीं पाएंगे कि पहचान जाएंगे कि कटहल की सब्ज़ी है, लेकिन शुरू में नहीं पहचान पाएंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। इसका टेस्ट देखिए, मुंह में ही पानी आ रहा है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, मैं ऐसा विश्वास कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऐसा भी विश्वास कर रही हूँ। तो अपने विश्वास को बनाते हुए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।